बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैविंग। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल्स का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल्स। पार्ट नंबर 1 आर यानी कि रेडियस गिवन है इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। आर स्टैंड फॉर रेडियस। अब यहाँ पे रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला है 2πr। एज वी नो डैट पाई इज इक्वल 22/7। ये पाई की वैल्यू है, ये फिक्स है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है 2πr। 2πr, पाई की वैल्यू ये है। r यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2πr की वैल्यू। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर यहाँ पे रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 सेंटीमीटर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 6। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ, 2 3 6। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 132। यहाँ पे राइट करेंगे 132 डिवाइड बाय 7। 132 को डिवाइड करेंगे 7 पे, 132 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 18.85। यहाँ पे राइट करेंगे 18.85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 18.85 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 198। यहाँ पे राइट करेंगे 198 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। 7 पे इसको डिवाइड करेंगे, 198 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 28.28। यहाँ पे राइट करेंगे 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे ये उसका आंसर है। एरिया ऑफ सर्कल ये है 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 2, डी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायामीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। जब भी डी की वैल्यू यानी कि डायामीटर गिवन होगा सर्कल का, तो आपने पहले रेडियस फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला है आर इज इक्वल डी बाय 2। तो यहाँ पे डी गिवन है, राइट करेंगे 8 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 1 2 2 4 8 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, इस बात को आपने माइंड में रखना है। जब भी डायामीटर यानी कि डी की वैल्यू गिवन होगी, ये डायामीटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस होगा तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल है 2πr। जैसे कि हम जानते हैं पाई इज इक्वल है 22/7। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 4 सेंटीमीटर। 2 4 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 176। यहाँ पे राइट करेंगे 176 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे 7 के साथ। 176 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 25.14।
यहाँ पे राइट करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 25.14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे रेडियस हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 4 × 16 स्क्वेयर सॉल्व करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 22 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 352। यहाँ पे राइट करेंगे 352 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 352 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 50.28। यहाँ पे राइट करेंगे 50.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 50.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 25.14 सेंटीमीटर। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 3, रेडियस गिवन है आर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। 2 × 5 = 10, 10 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 220 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7। 220 को डिवाइड करेंगे 7 पे, 220 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 31.428। यहाँ पे राइट करेंगे 31.428, आप इसको राउंड ऑफ करके भी राइट कर सकते हैं 31.48 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 31.43 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू एज वी नो डैट 22/7 मल्टीप्लाई आर, अब यहाँ पे आर जो है गिवन है, आर स्क्वेयर है 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वेयर सॉल्व करेंगे 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 22 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 550। यहाँ पे राइट करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय 7, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 550 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 78.5। यहाँ पे राइट करेंगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 31.43 सेंटीमीटर। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 4, रेडियस गिवन है आर इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2 पाई आर, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर। 2 × 7 = 14, 14 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 308। यहाँ पे राइट करेंगे 308 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 308 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 44। यहाँ पे राइट करेंगे 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वेयर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई स्क्वेयर सॉल्व करेंगे 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 22 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1078। यहाँ पे राइट करेंगे 1078 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइड बाय 7, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, अब यहाँ पे 1078 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 154। यहाँ पे राइट करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 5, आर इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2 पाई आर। वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस आर गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 to the 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 2 to the 4, 4 to the 8, 88 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर, 88 को डिवाइड करेंगे 7 पे, 88 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 12.57, यहाँ पे राइट करेंगे 12.57 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 12.57 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, राइट करेंगे स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे 2 to the 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 to the 8 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इसको, 88 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 12.57, यहाँ पे राइट करेंगे 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल का सेम ही आंसर है। पार्ट नंबर 6, आर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 to the 20 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 440/7 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 440 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे ये यह मैंने डिवाइड किया है तो वैल्यू आई है 62.857, यहाँ पे राइट करेंगे 62.857, राउंड ऑफ करेंगे 62.8, 7 की वजह से 1 ऐड करेंगे 5 में 6 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 62.86 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे 10 to the 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करके 2200 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 314.28, यहाँ पे राइट करेंगे 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप ये वैल्यू राउंड ऑफ करके भी राइट कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके आपका आंसर होगा 314.3, तो यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, यहाँ पे मैंने राइट किया है 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 62.86 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दीज आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। पार्ट नंबर 1 है, रेडियस गिवन है 3.1 मीटर, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस सी फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे वर्किंग में इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में रेडियस गिवन है 3.1 मीटर, सी यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2π की वैल्यू एज वी नो दैट 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस गिवन है 3.1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ 44 को 3.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 3.1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 136.4, यहाँ पे राइट करेंगे 136.4 मीटर, डिवाइड करेंगे 7 के साथ, अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे
136.4 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 19.48। यहाँ पे राइट करेंगे 19.48 मीटर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक का आंसर है, यहाँ पे राइट करेंगे 19.48 मीटर। सेकंड में डायामीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, वर्किंग में इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे डायामीटर गिवन है, सेकंड ये फिल इन द ब्लैंक है, डायामीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, सी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जब भी डायामीटर गिवन होगा रेडियस पहले फाइंड आउट करेंगे, रेडियस का फार्मूला है डी बाय टू, डायामीटर है 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टू, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2.5। यहाँ पे राइट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला है 2 पाई आर, वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 2.5 सेंटीमीटर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 44 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 110.0। यहाँ पे राइट करेंगे 110 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 110 को 7 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 15.71। यहाँ पे राइट करेंगे 15.71 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट करेंगे 15.17 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक का आंसर है। यहाँ पे राइट करेंगे 15.71 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये सेकंड का आंसर फाइंड आउट कर लिया। थर्ड में रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड फिल इन द ब्लैंक की यहाँ पे वर्किंग करेंगे, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, अब यहाँ पे रेडियस है 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे राइट करेंगे 6 स्क्वायर इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे 22/7, 6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करके आंसर आया है, यहाँ पे आंसर राइट करेंगे 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये थर्ड फिल इन द ब्लैंक का आंसर है, यहाँ पे राइट करेंगे 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ में डायामीटर गिवन है 11 मीटर, एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ फिल इन द ब्लैंक की वर्किंग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डायामीटर गिवन है, एरिया फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस, आर इज इक्वल है डी बाय टू, अब यहाँ पे डायामीटर गिवन है और यहाँ पे आर हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे डायामीटर है 11 मीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल, 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 11 को 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 5.5 मीटर। आर यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल, एरिया इज इक्वल है पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 22/7 5.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 5.5 का स्क्वायर सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू आई है 30.25, यहाँ पे राइट करेंगे 30.25 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल 30.25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30.25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 665.50। यहाँ पे राइट करेंगे 665.50 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया है 95.07। यहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया 95.07 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फोर्थ फिल इन द ब्लैंक का आंसर अभी हमने फाइंड आउट किया 95.07 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड्स हैविंग रेडियस 3.2 मीटर 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर रिस्पेक्टिवली इन अ पार्क, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज
थ्री पॉन्ड्स। एक पार्क में तीन तालाब हैं, ये फर्स्ट का रेडियस है, ये सेकंड का रेडियस है, ये थर्ड का रेडियस है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि इन तीनों तालाबों का एरिया कितना है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों तालाबों का रकबा मालूम करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड। स्टेटमेंट में गिवन है फर्स्ट पॉन्ड यानी कि पहले तालाब का रेडियस है 3.2 मीटर। एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, एरिया यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, रकबा मालूम करना है। यहाँ पे राइट करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस है, यहाँ पे राइट करेंगे 3.2 मीटर, यहाँ पे राइट करेंगे 3.2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 3.2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 10.24। यहाँ पे राइट करेंगे 10.24 मीटर स्क्वायर। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.24 के साथ, 10.24 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 225.28। यहाँ पे राइट करेंगे 225.28 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, अब यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करके 7 पे, यहाँ पे आंसर आया है 32.18। यहाँ पे राइट करेंगे 32.18, यहाँ पे राइट करेंगे 32.18 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड है, पहले तालाब का एरिया है 32.18 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेकंड पॉन्ड, दूसरे तालाब का रेडियस स्टेटमेंट में गिवन है 4.3 मीटर। एरिया ऑफ सेकंड पॉन्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस गिवन है 4.3 मीटर, राइट करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 4.3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 18.49। यहाँ पे राइट करेंगे 18.49 मीटर स्क्वायर। 22 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 406.78। यहाँ पे राइट करेंगे 406.78 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। डिवाइड करेंगे इसको 7 के साथ, अब यहाँ पे 406.78 को डिवाइड करके 7 पे वैल्यू आई है 58.11। यहाँ पे राइट करेंगे 58.11 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सेकंड पॉन्ड यानी कि दूसरे तालाब का एरिया है 58.11 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ थर्ड पॉन्ड, तीसरे पॉन्ड का रेडियस है, स्टेटमेंट में गिवन है 5.4 मीटर। एरिया ऑफ थर्ड पॉन्ड, तीसरे तालाब का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस है 5.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 5.4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 5.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 29.16। यहाँ पे राइट करेंगे 29.16 मीटर स्क्वायर। 22 को 29.16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 641.52। 29.16 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 641.52 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे 7 के साथ, अब यहाँ पे 641.52 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 91.64। यहाँ पे राइट करेंगे 91.64 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तीसरे तालाब का रकबा है 91.64 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने तीनों तालाबों का रकबा मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ग्राउंड, टेक पाई इज इक्वल 22/7। एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसका सर्कमफ्रेंस बताया हुआ है 88 मीटर। हमने ग्राउंड का एरिया यानी कि रकबा मालूम करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज इक्वल सी, यानी कि सर्कमफ्रेंस ग्राउंड का, सर्कुलर ग्राउंड का दिया हुआ है, सी है।
स्टेटमेंट में गिवन है 88 मीटर। एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है सी इज इक्वल है 2πr। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 88 मीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7। अब यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है तो राइट करेंगे आर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 88 मीटर, 7 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 44 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल आर। 88 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आई है 616। यहाँ पे राइट करेंगे 616 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल आर। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू आई है 14। यहाँ पे राइट करेंगे 14 इज इक्वल आर। रेडियस यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, आर की वैल्यू है 14 मीटर, रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एरिया ऑफ ग्राउंड फाइंड आउट करना है, ए इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 14 मीटर, यहाँ पे राइट करेंगे स्क्वायर इज इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 14 × 14 = 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 4312। यहाँ पे राइट करेंगे 4312 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे ये वैल्यू मैंने वर्किंग में डिवाइड की है तो यहाँ पे आंसर आया है 616। यहाँ पे राइट करेंगे 616 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज इक्वल 616 मीटर स्क्वायर, इट इज़ आंसर।